हेलो दोस्तों वेलकम टू एफ पी एल गपशप मेरा नाम है रक्षित एंड एफ पी एल सीजन दोस्तों इस अपॉनस और इस वीडियो में मैं नहीं मेरे साथ मनन और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हम अपने तीनों गेम वीक वन के ड्राफ्ट शेयर करेंगे मनन को तो आप जानते हो ही uh, समवन जो हमारे साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड हैं मैं नहीं चाहता हमारी पॉडकास्ट पे बट आ जाते हैं बार बार कुछ कर नहीं सकते बट द रियली स्पेशल गेस्ट इज राहुल भाटिया राहुल भाटिया एक राहुल भाटिया बहुत ही पुराने दोस्त हैं बहुत ही इलीट एफ पी एल मैनेजर है लाइक मैं और मनन तो एब्सोल्युटली लेट मिस्टर भाटिया भाटिया साहब क्या हाल है अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया क्या मुझे चलेगा से. <laughs> आप बताओ मुझे पहले व्हाट इज योर बेस्ट एफ पी एल रैंक पहले यहाँ पे लोगों को ब्लो अवे कर देते हैं

है दोस्तों और हम भाटिया साहब के ड्राफ्ट से ही शुरू करेंगे लास्ट सीजन भी भाटिया साहब आई थिंक सेवनटीन एटीन के मेरे से एक पॉइंट पीछे जस्ट फिनिश करे थे. <laughs> 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 तो, तो, जैसे आपने बताया वो बताता है कि FPL royalty तो चलिए भाटिया साहब गेम वीक वन ड्राफ्ट है पीपल कैन सी योर ड्राफ्ट ऑन द स्क्रीन जस्ट टेक अस थ्रू योर पिक्स एक बार बताइए कि कौन से पिक्स हैं किसके बारे में बहुत श्योर हैं किसके बारे में श्योर नहीं हैं और क्या चेंजेस अप करेंगे तो इन गोलकीपर आई हैव गॉन विद हेंडर्स एंड और फैबियांस्की मेरे गोलकीपर्स uh, 184.0 का गोलकीपर तो जरूर रहेगा मोस्ट लाइकली फैबियांस्की है क्योंकि अगर अरियोला रूमर्स जाने के अगर चले जाते तो जाते तो शायद की नंबर पिक बन हैं नहीं भी गए तो बेंच करने के लिए फिट uh, uh, करता हूँ मैं ये एक इनिशियल स्ट्रक्चर था जब गेम लॉन्च हुआ था तो गो ऑन विध हैंडरसन आई थिंक नेल्ड है क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस काफी अच्छा है स्पेशली अंडर ग्लैशनर थ्री एट द बैक फॉर्मेशन खेलते हैं इवन उनके विंग बैच भी काफी अटैकिंग है इसीलिए डिफेंस में मेरे पास मोनोज uh, भी है uh, जो राइट right साइड से काफी आगे जाते हैं बॉक्स में आपको पता ही होगा बहुत सारे टचेज हैं उनके बहुत सारे शॉट्स लेते हैं तो हैंडेसन और मोनोज का फिलहाल डेवलप है इफ आई स्टिक विट और इफ आई चेंज इट वो आई थिंक फ्राइडे को पता चलेगा टीम बट फिलहाल दोनों है मेरे पास और डिफेंस uh, में बाकी की पिक्स की बात करूँ तो आई है फिलहाल मैन सिटी के लिए नेंद लग रहे हैं एंड ऑफ लास्ट सीजन उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था हालांकि प्री सीजन में उन्होंने लेफ्ट सेंटर बैक में खेला है बट लास्ट सीजन लेफ्ट बैक खेल रहे थे बहुत ही अटैकिंग रिटर्न दिए थे उन्होंने बहुत आगे आ रहे थे गोल uh, थ्रेट आपको मिल जाता है असिस्ट्रेट मिल जाता है ओपन uh, प्ले से आपको पोटेंशियल uh, है कॉर्नर से सेट पीस से गोल पोटेंशियल है आई थिंक uh, बहुत ही ऑलराउंड फैंटेसी वैल्यू काफ़ी अच्छी देते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीन शीट्स भी तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे I have also gone with uh, Barco as the cheap option currently. Four uh, million K Brighton K playing defender uh, expected to play है. Uh, let's see क्या होता है. Left back खेलने चाहिए. काफी attacking है. In fact मैंने सुना है कि set pieces भी लेने वाला है. तो अच्छे option रहेंगे आपके लिए भी. और फिलहाल I've gone with Konza and Robinson. Aston Villa and Fulham both are decent defensively. कुछ खास नहीं बोलूँगा. But 4.5 के लिए I think they should be अपने uh, price के लिए अच्छी value दे सकते हैं.

बट uh, आपका डिफेंस पे एज अ होल क्या आपका थॉट्स है? आई थिंक uh, जैसे आप लोग ने बोला बेस्ट डिफेंस इन लीग कोई डाउट ही नहीं है uh, fixtures, actually, मेरे के लिए नहीं करते। तो मेरा प्लान है कि एक आसनल का डिफेंडर इधर इधर सलीबा और राया फिट करूं सलीबा फिट करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मे बी आई गो अपसाइड नहीं लगती या तो दो पॉइंट मिलेंगे या तो छह मिलेंगे

इस सीज़न हमें एनी विच प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन भी उतनी उतनी क्लीन शीट्स नहीं आई थी एंड आई मुझे ऐसा लगता है सेम सिमिलर ट्रेंड होगा तो एट 5.5 अगर आपको रा, आ, राया में क्लीन शीट्स जो मिलती रहेगी एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन टेन क्लीन शीट्स ओवर द कोर्स ऑफ द सीज़न एंड इवन इन द फर्स्ट टेन गेम वीक्स में एटलीस्ट फोर क्लीन शीट्स तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ तो आई मिलियन में क्योंकि सारे 6 स्क्रीन सो so, uh, so, पहले पांच आप मैचेस देखें तो फ्रॉम अ राया पॉइंट आर्सनल डिफेंस पॉइंट व्यू बात करेंगे तो तीन रेड फिक्सचर्स हैं स्पर्स एंड सिटी तो राया आई थिंक आपको थोड़े भी पोटेंशियली दे सकते हैं शीट का पोटेंशियल ऑब्वियसली कम yeah. हो जाता है बट अगर हम आर्सनल डिफेंडर्स से आर्सनल गोलकीपर को कंपेयर करें तो मेबी फर्स्ट फाइव मैचेस में ही विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू मेक सम सेव्स आल्सो एंड ऑब्वियसली ही इज द चीपेस्ट वे इनटू द आर्सेनल डिफेंस मेरे पास नहीं है बट अगर कोई राया ले रहा है इफ इफ ही हैज दैट बजट तो नो प्रॉब्लम विद दैट आई गेस आई थिंक जैसे आप लोग गोल्डरो की एज ए एंट्री पॉइंट इनटू द डिफेंस लाइक कवरेज क्लिक के काफी अच्छे बिकॉज़ इज द चीपेस्ट रूट

So, buteer, hey, uh, take us through your midfield and attack. So, midfield में मेरे पास है Son uh, Spurs के लिए Talisman है. Uh, so, this was uh, before uh, Solanki came in. So, देखना पड़ेगा कि Solanki आने से Spurs का playstyle कैसे change होता है या penalties किसके पास जाती है. I still expect Son to keep them. But uh, it, be, uh, even even uh, I think uh, Son could <coughs> become a better asset with Solanki also on paper at least. Right? At least in terms of. अगर

तो फिलहाल मैंने सॉल्ट रखा है क्योंकि स्पर्स uh, के ओपनिंग दो मुझे बहुत पसंद है आई हैल्सो गोन विथ ओे गार्ड ये मुझे प्राइस पॉइंट काफी अच्छा लगता है एट एंड का यहाँ पे दो ही ऑप्शन है एक ओर गार्ड है एक ब्रोनो है द यूनाइटेड फैन मैं फिलहाल ओडे गार्ड के साथ गया हूँ बट uh, जो मैंने कम्युनिटी शील्ड में देखा मुझे ब्रोनो का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा शाफ और संबर्ट जो अभी uh, चार दिन पहले आई थिंक क्लब के साथ ज्वाइन किया विदाउट अ प्रॉपर प्री सीजन क्योंकि वो यूरोज खेल रहे थे और बाकी दो दो मिलेगा बट प्लेयर बहुत अच्छे है क्वालिटी ऑफ द टीम बहुत अच्छी है सो दैट इज वाई ओडेगार्ड इज देयर एंथनी गॉर्डन लास्ट ईयर मेरे काफी अच्छे पिक रहे थे सेकेंड वर्ल्ड कार्ड पे तो so, गॉर्डन को he, और एक और बात है कि उसके स्ट्रॉन्ग लिंक है लिवोपुल तो अगर वो मूव भी होता है तो जॉर्डन का पोजिशन रिकनसिडर करना पड़ेगा बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट बट डेड लाइन के पास वेट करना पड़ेगा हमें न्यूज के लिए अगर रूमर्स है कि नहीं स्टार्ट करेंगे तो आई टू रिमूव बॉर्डन फॉर श्योर बट अगर स्टार्ट करते तो आई थिंक गेम वीक वन के लिए वन ऑफ द स्कोरिंग प्लेयर्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से एंड लास्ट पिक है स्मिथ्रो uh,

I think वो oh, game week three वाला fixture बहुत influence कर दिया मेरे thinking को. Away <laughs> to Man United. <laughs> yeah, traditionally so, one actually, of the best yeah, defenses yeah, Liverpool... in the Premier League, of course. <laughs> yeah, <laughs> <laughs> a, a a team which does not concede many shots, very famously. I think uh, last season, uh, last season, uh, if I'm not mistaken, they a clean sheet at Anfield. So yeah, you're right. Yeah, I I mean United <laughs> kitna bhi poor khele Liverpool ke against they turn up.

हालांकि पामर ने सिर्फ एक सीजन प्रूव किया है बट इज अ गुड प्लेयर डेफिनेटली तो अगर uh, साल uh, सॉरी साका और सोन भी ग्यारह साढ़े ग्यारह के होते तो मैं शायद ज्यादा कंफर्टेबल होता साला ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे करने को और uh, पहले दो तीन हफ्ते में मुझे खास कैप्टनशिप एक नहीं लग रहे mm. Uh, mm. साला। अगर अगर मैं कैप्टन कर रहा होता तो डेफिनेटली लेता स्टिल अ गुड पिक बट ट्वेल्व थोड़ा ज्यादा होता mm. You're talking about the king of FPL, Mo Salah. Yeah.

के लिए सबसे अच्छा कर सकते हो आई थिंक ही कैन पोटेंशियली मैच साका फेमस लास्ट वर्स्ट लास्ट वर्ड्स बट मुझे लग रहा है कि अंडर एटेड पिक है अंडर uh, प्राइज है मेरे हिसाब से मिडफील्डर फील्डर तो शायद और भी बेटर होता बट एज अ फॉरवर्ड इज नॉट अ बैड पिक बोनस में शायद अच्छा करेंगे और इवन uh, दो कभी कभी चांस है कि अगर जीज हेजू स्टार्ट करते और नंबर uh, 8 खेलते हैं स्टिल गेट्स इनटू द बॉक्स बहुत सारे स्कोरिंग पोजीशंस में आते हैं आई पर्सनली लाइक हिम बट

before we go to your team no i think i think i feel ki more closer to the deadline yes. uh, liverpool asset to i think inki team mein aayega I'm, i'm pretty sure because it's uh, criminal to it. <laughs> it's criminal to go without i i hope you are right uh, but uh, about liverpool but i still feel ek liverpool asset to hona hi chahiye in terms of jota ho gaya hai trent ho gaya uh, aur sala maybe sala hmm. okay let us go to the legendary manan chipper

लास्ट सीजन एट मिलियन इनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस ही था बट एट सेवन मिलियन आई थिंक ट्रेंट विद दोज फिक्सचर्स आई थिंक मेरे लिए तो शॉर्ट ऑफ नो ब्रेनर है थोड़ा सा um, उसके अलावा आई लाइक like कि मैंने राया को एज आर्सनल डिफेंस में एज राया को लेकर थोड़ा सा कवर किया है एंड आई लाइक द डिफेंस बार्को और रॉबिनसन में मैं रोटेट करता रहूँगा अपना थर्ड डिफेंडर स्पॉट आई लाइक माई मिड फील्ड

आपको ईजी रहता है टू रीच अगर कोई आपसे आपके पास जो प्लेयर है उससे ज़्यादा प्राइस का प्लेयर हो आप मिनिमल एक या दो ट्रांसफर्स में यू कैन ईजिली रीच इट जैसे अगर आप कोई प्रीमियम प्राइस पॉइंट नहीं रखते देन आपको तीन चार चेंज हिट लेके आपको यूजुअली चेंजेस uh, करने में आपको थोड़ा सा स्ट्रीम स्ट्रक्चर एडजस्ट करने में आपको थोड़े से इश्यूज़ आएंगे अगर आप प्राइस पॉइंट्स अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो मैंने ट्राई किया एंड आई हैव गि वाइट फॉर इट मुझे सिक्स मिलियन में काफ़ी अच्छे पसंद है प्लेयर फॉरेस्ट के फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं तो ही इज़ ऑन पेनल्टीज हीज़ ऑन सेट पीसेज आई थिंक ही टिक्स अलॉन्ग विथ पॉइंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन बाकी जॉटा इज समन जिसने मुझे लास्ट फ्रेंडली में इंस्पायर किया था कि ये प्रॉपर नीजर पिक है नीजर इज समथिंग जब आपको एक मैच देखते हैं एंड आपको लगता है एक प्लेयर बहुत अच्छा करता है ना आप उन्हें ले आते हैं आई थिंक आई वॉज इंप्रेस मुझे लगता है पर्सनली ये गेम ही गुर में स्टार्ट करेंगे एंड वी नो वट सर्ट ऑफ प्लेयर इज इफ ही स्टेज फिट तो इसलिए जॉटा इज़ देयर एंड आई गॉन विद डबल टॉटनम अटैक विद सोलंकी एंड सोन मुझे लगता है फर्स्ट टू लेस्टर एंड एवर्टन उस पर बनता है एवर्टन डिटक्शन एट दीजन उनको थोड़ा अपने होम गेम्स में भी बहुत अटैक करना पड़ेगा एग्जैक्टली तो आई थिंक के जो फर्स्ट टू फिक्स एंड पोस्टिक अप्रोच के साथ खेलते हैं

बट मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक एपसविच और इवन अगेंस्ट ब्रेंडवर्ड मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली ट्रेंट हैज़ द पोटेंशियल कि वो अटैकिंग रिटर्न ईजीली दे सकते हैं क्योंकि बहुत कंट्रोल mm. बहुत पोजेसन हैवी स्लॉट प्रेफर करते हैं अपना अपने टैक्टिक्स में एंड जो मैंने फ्रेंडलीज में देखा है अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा आगे खेल रहे हैं वो काफ़ी सारे रनस बना रहे हैं तो मुझे बस वो लगता है कि सेवन मिलियन में ही कैन जेन्यूनली और अटैकिंग एक रिटर्न आता था ट्रेंड के पास तो हमें पता है वो यूजुअली बोनस में भी इजीली आ जाते हैं तो दैट इज व्हाई आई फील कि ट्रेंड थोड़ा सा काफी इन सेट पीसेस पे भी होंगे यार फ्री किक्स कॉर्नर्स तो इट्स हेल्पफुल यार तो वंस अगेन लेट मी लेट मी जस्ट ब्रिंग ऑन द स्क्रीन ये तीनों के लिए रेलिवेंट है दिस इज बेसिकली टॉप कैप्टनसी चॉइसेस नो साला अगर आपकी टीम में साला नहीं है जैसे भाटिया साहब की टीम में नहीं है छप्पर साहब की टीम में नहीं है और मेरी टीम में भी नहीं है करंटली जो है तो अगर आप साला नहीं रखते हैं फॉर एग्जांपल अपनी टीम में तो ये बेसिकली आपके प्रेफर्ड ऑप्शन हो सकते हैं दिस इज़ वाई फैंटेसीपीडिया दोस्तों फैंटेसीपीडिया इज़ का नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है मैं और मैंने वहाँ पर काम करते हैं वीबॉकड वेबसाइट बहुत बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है वहाँ पर प्रीमियम टूल्स लाइव रैंक ट्रांसफर प्लानर चांसेस कंसीडरेट जोनल एनालिसिस एट्सेट्रा एसेट्रा आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ट्विटर हैंडल भी मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि Uh, बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप साला नहीं भी आपकी टीम में तो आप कैसे अपनी कैप्टनसी रोटेट कर सकते हैं गेम वीक वन में फॉर एग्जाम्पल यू हैव ईसैक हालेंड एंड सोन गेम वीक टू में हालेंड इज स्टैंड आउट पिक बिकॉज उनका इप्स एट होम है थोड़ा पंट लेना है तो आप पालमर जा सकते हैं गेम वीक थ्री में यू हैव हालेंड एंड वॉटकिंस जो रिसेंट ऑप्शंस हैं uh, आई थिंक साला का वैसे भी स्पीक मेरे ख्याल से यूनाइटेड है गेम वीक फोर की बात करें पालमर हैज बोर्नमर ब्रोनो फर्नांडेज़ हैज साउथहैम्पटन हालेंड इज वन गेन एन ऑप्शन एंड यू कैन बेसिकली सी कि आपके पास मल्टीपल रूट्स है से नेविगेट करने के लिए अगर आपके पास साला नहीं है सो आई यू गाइज प्रडी श्योर ऑन द फैक्ट कि अगर आप साल लेट से नहीं लाते हैं और लेट से वो ब्रेस स्कोर करते हैं अपने ओपनिंग मैच में तो ऑब्वियसली इट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम बैक इन

आई एम प्रिपेयर की इवन इफ़ ई स्कोर दैट्रिक और ई स्कोर द ब्रेस मुझे पता है मेरे लिवरपूल के assets, कोई सॉट ऑफ द रिटर्न मिलेगा सो आई एम स्टिल आई एम स्टिल फाइन विद यू स्कोर दैन इफ आई गेट सम्रॉम अदर प्लेयर्स ओकेर टीम ऑन द स्क्रीन एनी फाइनल थॉट कोई डायलेमाज हैं अब ऑबली बहुत चेंज हो सकता है बिफोर गेम वीक वन बट आई थिंक यू विल मेक अ फ्यू चेंजेस राइट बिफोर द डेड लाइन ब्रिटी श्योर आई विल आई थिंक मिडफील्ड में द गिब्स वाइट वाला स्पॉट में स्टिल आई एम कंसिडरिंग आई हैव वन मिलियन बाई द विन दिस क्राफ्ट सो आई कैन गो फ्राम गिब्स वाइट टू अ गॉर्डन एज वेल तो वो भी एक कंसिडरेशन में है कि गो फॉर शॉर्ट शॉर्ट प्लेयर्स गॉर्डन के भी अच्छे इनिशियल फिक्स चढ़ आई कैन इवन अपग्रेड अ बारको टू अ फाइव मिलियन और यू नो रॉबिनसन टू अ पोरो एंड स्टार्ट हिम मैं वो भी मेरे पास एक ऑप्शन है वन मिलियन तो होंगे बट आई थिंक आई एम फेल्ली सेटल

बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्निंग एंड भाटिया साहब ऑब्वियसली इट इज़ वेल एस्टैब्लिश कि हम दोनों से बहुत बेटर है और भाटिया साहब का टीम काफ़ी अलग है तो मनन आई थिंक हम दोनों को कंसर्न होना चाहिए बिकॉज आर ड्राफ्ट शुड बी क्लोजेस्ट टू भाटिया साहब का ड्राफ्ट बट वंस अगेन मेरा डिफरेंस ये है कि आईव गॉन फॉर पोप एज माई गोल कीपर मुझे hmm. लगता है कि न्यूकासल पर मैं काफ़ी हाई हूँ इस सीजन आई uh, विश मैं गॉर्डन भी ले सकता बट मुझे लगता है कि क्योंकि यूरोप नहीं है इस बार एडी एडीहाओ को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ इस बार देर इज़ नो यूरोप प्लेयर्स आर बैक फ्राम इंजरी लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था इंजरी से दे हैड टू प्ले टू थ्री टाइम्स अ वीक एंड काफ़ी उनका जो स्क्वाड डेप्थ था वो टेस्ट हुआ था एंड उसकी वजह से दे ड्रॉप द लॉड ऑफ पॉइंट पोप uh, मुझे लगता है वॉज अनदर मेन रीजन वाई न्यू वर नॉट एज गुड बिकॉज पोप इज़ द मेन स्टे न्यू कासल के डिफेंस का और uh, बहुत ही रिलायबल कीपर हैं ग्रेट शॉट स्टॉपर गुड ओपनिंग फिक्चर्स इज वेल तो मुझे लगता है ही इज़ द कीपर आई एम गोइंग फॉर थोड़ा सा कंसर्न ये है कि ऑब्वियसली उनका डिफेंस सेटल नहीं है बट आई एम अज कि की uh, गोएही का जो ट्रांसफर है विल गो थ्रू एंड आई थिंक गोए ही जब आएंगे टीम में फिर बॉटमेन इवेंचुअली जब आ सकते हैं फेविन शेयर इज देयर तो मुझे लगता है कि आई ट्रस्ट यू कासल डिफेंस एक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि ब्रूनो घुमारे इसके सिटी के साथ रूमर्स हैं तो अगर वो चले आते हैं तो डिफेंसिवली थोड़ा उन्हें अफेक्ट कर सकता है बट ओवरऑल आई थिंक पोप के साथ एम प्री प्रिटी सेटल बट लेट्स सी डिफेंस मेरा स्टार्टिंग जो थ्री है वो सेम एज योर मनन करंटली ट्रेंट मुनियोज एंड पोरो श्योर ऑन मूनियज एंड पोरो ट्रेंट का भी, भी मुझे डाउट है जैसे भाटिया साहब ने जो कंसर्न रेज किए थे मेरे भी हैं आई अगरी मनन की ही विल बी अ गुड अटैकिंग ऑप्शन बट आई थिंक देर आर अदर डिफेंडर्स ऑल्सो जो चीपर हैं जो मुझे अटैकिंग ऑप्शन अटैकिंग रिटर्न दे सकते हैं अगर मुझे क्लीन शीट नहीं दे रहे तो ग्वाडियल फॉर एग्जाम्पल हो गए सम अदर एज वेल जो पोरो पोरो ऑलरेडी है, हाँ, already है टीम में तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रेंट इज ओनली वर्थ इट अगर वो अटैकिंग रिटर्न के साथ अगर कंबाइन <coughs> करते हैं क्लीन शीट्स क्योंकि अदरवाइज वी आर बैकिंग इम टू स्कोर गोल्स और वहां पे मैं थोड़ा अनश्योर हूँ सो आई थिंक ट्रेंट वाला स्लॉट मुझे सोचना पड़ेगा <coughs> uh, उसके अलावा प्रिडी सोल्ड ऑन मूनियोज बहुत ही अटैकिंग विंग बैक है मेरे को तो लगता है ये बेस्ट डिफेंसिव एसेट इन द गेम होने वाले हैं एट हिस प्राइस वैल्यू डिफेंसिव एसेट इन द गेम दिस सीजन स्पेशली फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद ग्लासनर्स पैलेस लास्ट सीजन बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है कोपा अमेरिका में मे ही वाज वेरी गुड मिड पे आई ऑल्सो डोंट हैव साला मेरे पास जॉटा है आई थिंक जॉटा इस संबंध जो आपको एक तो डायरेक्ट गोल थ्रेट देते हैं हमें पता है कितने क्लिनिकल फिनिशर हैं उनका जो गोल्स पर मिनट रेशियो ऑलवेज हैज़ बीन ब्रिलियंट तो जब जोटा आते हैं वो नॉर्मली ही डज वेल ओनली साला का वैसे ही थोड़ा आई थिंक अगर आप हीट मैप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आगे खेल रहे हैं ऑब्वियसली बट काफ़ी वाइड भी खेल रहे हैं सो ही इज़ मोर ऑफ अ क्रिएटर लेट सी आई थिंक थोड़े दो तीन मैचेस के बाद आइडिया होगा कि साला इजी गेटिंग इन दो गोल्स गोरिंग एरियाज एंड नाट नॉट फिर मैंने साका पिक किया इन प्लेस ऑफ सॉन क्योंकि मेरे को बहुत आई एम नॉट श्योर कि मैं बहुत ओवरबोर्ड जाना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ आई डू फील कि दे विल स्टार्ट पे लास्ट सीजन भी किया था बट कोई गारंटी नहीं है आई डू फील सॉन विल ऑल्सो डू वेल इनिशियली बट साका आई थिंक थोड़े और रिलायबल हैं और अगर आप पहले तीन मैच देखेंगे तो पीपल आर पुट ऑफ बाय द फाइव मैच फिक्सचर रन राइट पहले तीन मैचज आर गुड एंड अगर आप सेकेंड मैच भी देखेंगे विच इज़ विला फोर्थ मैच इज़ परस राइट तो आई थिंक दीज आर टीम्स जो नॉर्मली गोल्स कंसीड करती हैं तो विला स्पेशली हैव स्ट्रगल्ड रियली बैड इन प्री सीजन स्पेशली डिफेंसिवली Uh, तो मुझे लगता है कि ओपनिंग डे अगेंस्ट वुल्ब्स और अगेंस्ट उसके बाद विला मुझे लगता है साका टाइप का प्लेयर को डू वेल ऑल्सो सेट पीसेस पेनल्टीज आई थिंक ही इज स्टैंड आउट अटैकिंग पिक मेरे ख्याल से आर्सनल का यू कैन टेक अप अपन ओडेगार्ड आई थिंक ही हैव अ गुड सीजन बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रीडिक ओडेगार्ड के रिटर्न कब आएंगे इट्स मोर ऑफ अ सीजन लॉन्ग पिक स्मिथ थ्रो पे मैं बहुत हाई हूँ जस्ट लाइक यू गाइज मेरे को बहुत सही पिक लग रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू कैश इन ऑन फुलम्स फिक्सचर रन जो बहुत ही सुपर है Getting into great areas, हमें इनका potential पता है। I think it's a fantastic value at its price। तो mm -hmm. so, Smith Rowe सम्बन्ध जो, one... yeah। mm -hmm. no, I'm just saying there's one concern with Smith Rowe जो मैं देख रहा था कि he's not fit to play 90 minutes। तो mm -hmm. so, we might see at least मतलब मैं उन्होंने खुद ने I think ये कहीं पे अभी बोला था in a in a post match कि I'm not fit to play 90 minutes uh, regularly। आई थिंक वो हमें बहुत सारे बिल्ड हिस्सनेस तो वैसे भी अगर आपको नहीं yeah. भी खिलाना है तो यू कैन बेंच एमड फॉर एग्जाम्पल आप बारको को खिला सकते हो उसकी जगह और सेकेंड मैच दट इज ऑल्सो गिब्ज वाइड का आई थिंक मेरा वो ही है आई थिंक हीज अ फैंटेस्टिक ऑप्शन बट आई थिंक वो सेम ओडेगाड वाली कैटेगरी में है कि ही विल टिक अलॉन्ग वेल ऑल सीजन बट डोंट बी सरप्राइज अगर लेट्स ए फॉर इस स्कोर लाइक थ्री फोर गोल्स पहले दो तीन मैच मेंब्स वाइड का लेट से एक असिस्ट हो क्योंकि लांगा कर रहे हैं हटसन अडोए कर रहे हैं अबोनी एंड वोड एंड तो दैट्स माई कंसर्ट विद्स वाइड तो आई थिंक मोस्ट लाइकली आई विल नॉट हैव इम इन माई टीम बट लेट सी Uh, oh, yeah. आगे मुझे सोलानकी बहुत पसंद है मुझे लगता है कि विद बोनमथ ही को ट्वेंटी ट्वेंटी वन गोल्स लास्ट सीजन एंड इनकी फिटनेस इज ऑल्सो वेडी गुड एंड प्रॉपर बॉक्स फिनिशर है एंड दैट इज समथिंग जो स्पर्स ने लैक किया था लास्ट सीजन एंड देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स उनके अराउंड चांसेस क्रिएट कर सकते हैं अटैकिंग विंगर्स सॉन रेन जॉनसन मेडिसन हो गए पेड्रोपोरो हो गए उडोगी हो गए फॉर एक्जाम्पल पोरो हो गए सो ऑल दीज गए क्रिएट लॉर्ड ऑफ चांसेज फॉर इम एंड मुझे लगता है सोलहकी इफ ही इफ ही स्टार्ट द सीजन ऑफ वेलनाथ देन उसके लिए बैंड वैगन हो सकता है तो एंड ओपनिंग टू फिक्स द ब्रिलियंट तो मुझे लगता है सोलहकी मैं तो प्रिटी हूँ मुनीज इज द ओनली वन जो आई थिंक अगर कोई आएगा तो मुनीज आएंगे इनकी जगह इन दैट सिनारी प्रिटी मच लॉक्स बारको आई थिंक इज अ सच अ स्टैंड आउट पिक दोस्तों मतलब फोर मिलियन का भी अगर भी। आपको कोई डिफेंडर चाहिए एंड ही समन जो हैजीन ग्रेट इन प्री सीजन ही संबंध जो सेट पीसेस कुछ कुछ ले रहे हैं आई थिंक कॉर्नर्स ले रहे हैं ब्राइटन के लिए फोर मिलियन एसेट एंड ऑबियसली अर्जेंट तो और ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे तो मुझे और ज्यादा स्टैंड आउट मेरे ख्याल से पिक है अगर आप बात करें एस टू पी नान इज आउट इंजर्ड और इवन इवन इफ अगर कोई रिप्लेसमेंट साइन करते हैं एक और लेफ्ट बैक आता है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टू थ्री फोर वीक्स बारको शुड बी गुड रॉबिसन अगेन नॉट वेरी वेरी श्योर बट अगेन फोर पॉइंट फाइव वैल्यू पे ही इज अ फैंटेस्टिक ऑप्शन गिवन द फिक्सचर रन जो है फिल्म का काफ़ी इनका आई थिंक चांसेस बहुत क्रिएट करते हैं बट इतने असिस्ट नहीं आते हैं, मुझे थोड़ा लगता है कभी कभी बट विद मुनीज एंड स्मिथ मुझे लगता है आंद्रेस परेरा आई थिंक फुलम मे स्कोर मोर गोल्स तो मुझे लगता है रॉबिनसन कूड बी अ बेटर पिक इसलिए एंड अगेन फिफ्थ मिडफील्डर मैंने सोचा नहीं है आई थिंक लावियो में पिक है क्योंकि शुड स्टार्ट लाइक डिसेंट मैचेस एटलीस्ट गेम गेमिंग वन तो स्टार्ट करेंगे विद अ फिलर फोर पॉइंट जीरो कीपर कैप्टन मेरे भी इसक होंगे मोस्ट लाइकली हाँ मतलब कैप्टनसी पे थोड़ी सी अगर हम थोड़ी और बात करें तो आ, हमने साला तो हमारी तीनों की टीम में ही नहीं है तो व्हाट मतलब ऑडियंस ने उसके वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्राम मतलब ही स्टिल अ ग्रेट पिक इट्स जस्ट जो हालेंड और साला को ऑक्यूपाई करने में जो बजट जाता है उसमें बाकी की टीम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होती है बट वॉट्स द थाट ऑन हालेंड कैप्टनसी मतलब चेलसी अगेन अभी फ्रेंडली में एक हैट्रिक मारी थी उन्होंने

तो सिटी शायद एक मारे या ज्यादा से ज्यादा दो मारे मार बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं मेरे पास हाईलैंड ऑप्शन आई थिंक वो आपको हमेशा गारंटी देते हैं कि वो एटलीस्ट एक गोल स्कोर करेंगे अगेन थोड़ा उनका एंड ऑफ सीजन फॉर्म अगेन कम्युनिटी शील्ड में भी आप देखेंगे इट वॉज वेरी पुअर परफॉर्मेंस सो ही डज रिलाई ऑन सर्विस सर्विस अगर नहीं मिलती हालैंड को तो आई थिंक वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं एंड विद के का पता नहीं स्टार्ट करेंगे फोर्डन का पता नहीं स्टार्ट करेंगे रॉडरी का पता नहीं स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक काफ़ी क्रिएटिविटी है जो सिटी टीम में शायद नहीं हो पहले मैच में दैट इज़ माई ओनली कंसर्न आई थिंक आई थिंक इट्स स्कोर अ गोल बट आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑफ लाइक डबल रिटर्न फ्राम एन ईसैक क्योंकि न्यू कासल मैर अपने होम पे द ब्रिलियंट 49 नाइन गोल्स लास्ट सीजन जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट सिटी इज द ओनली टीम जिसने उनसे ज्यादा होम गोल स्कोर करे थे एंड लिवरपूल आर अ टीम जिन्होंने एंड फील्ड पर फोर्टी नाइन स्कोर करे थे एंड न्यू कासल ऑल्सो स्कोर फोर्टी नाइन गोल सेंट जेम्स पार्क में एंड ई सैक मैन इज एप्सुलुटली इलेक्ट्रिक साउथहैम्टन का जैसे भाटिया साहब ने पॉइंट बोला रसल मार्टिन इस संबंध जो एक अटैकिंग फिलोसफी अप्लाई करते हैं और इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट वो बैक फायर हो सकता है तो ई संबंध जो मैं आई भी डिसअपॉइंटेड अगर मुझे सिर्फ <laughs> एक गोल मिलता है एलेक्जेंडर ई सैक्स इन द फर्स्ट मैच सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डबल डिजिट रिटर्न फॉम हिम इसलिए आई थिंक आई गो फॉर ई सैक एज माई कैप्टन

एंड एफ पी एल में केस इज़ नेवर गुड हमेशा आप सेटल टीम्स के एसेट्स लोगे तो आप लॉन्गर टर्म में सही करोगे तो मुझे लगता है कि चेल्सी इज़ अ प्रॉपर वेट एंड वॉच वैसे भी आई थिंक वनन में और आप बात करे थे कि जो ओपनिंग फिक्सचर जो चेल्सी के बोल रहे हैं कि बहुत सही हैं वो एक्चुअली इतने सही शायद नहीं हो राइट बिकॉज अगर आप देखेंगे उनका पहला मैच सिटी के साथ है देन दे हैव वुल्स अवे आई थिंक दे ड्रू और लॉस्ट अगेंस्ट वुल्स लास्ट सीजन एंड वुल्स हमेशा अपने होम पे देर डीसेंट देसो उनका तीसरा मैच अगर आप देखेंगे इज अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस राइट क्रिस्टल पैलेस आर ब्रिलियंट तो इवन सैमफर्ड ब्रिज पे पैलेस आराम से उनको हरा के जा सकती है तो मुझे लगता नहीं कि इतनी है कि इतने इजी फिक्चर हैं जो लोगों को लग रहे हैं तो आई थिंक मेरे लिए तो चेल्सी इज अ प्रॉपर वेट एंड वॉच यार या

आई फीयर मोर ऑफ हार्लैंडा आई थिंक नॉट उनिंग सला से ज्यादा कैप्टनसी हारलैंड बट आई थिंक न्यूली प्रमोटेड टीम एट होम फॉर अ गायक ईसैक बोथ अग्री आई थिंक सिर्फ हालैंड ही मेरे को लगता है ज्यादा गोल स्कोर करेगा इफ ईसैक इज फिट ही इज अ गाय जिनका कैलोवर है पच्चीस तीस गोल्स का पर सीजन इज दैट गुड and uh, i feel hmm. ki so, or, yeah i think i'll back him to do well and on penalties and also i think there, yeah even odds mein bhi agar aap dekhe to i think uh, newcastle are predicted to score more than 2 2 and a half goals almost three goals close to three goals so i think agar aap वैसे भी जाएं तो even the odds mein bhi dekhe to they are the highest scoring team i think jo game week 1 mein hai aur mm -hmm. pricing mein bhi mere hisab se isaac bahut underpriced hai he should be at least 9 oh, and a half rate he should be 9 and a half 10 yeah, yeah. 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 Okay. Jent's, talking about uh, uh, last thing, last thing, talking about nine and a half million asset. Any any consideration for Watkins? Nine, nine and a half, yeah. Not initially. I think uh, abhi, uh unlogne, I think he's not even joined preseason. season uh, he's not played any uh -huh. matches. Or uh, first game West Ham away. Thoda, I think middling yeah. game hai, ho sakta hai. I'll I'll not be surprised. West Ham jeet jai, outside chance, clean shield. Second game against Arsenal, elite defense. Hai.

आई एम नॉट श्योर ऑन ग्वाडियोल मुझे सिटी sure. uh, को मुझे थोड़ा सा देखना होगा एक बार थोड़ा सेटल हो जाए क्योंकि बहुत डिफेंसिवली साउंड नहीं लगी है बहुत बहुत सारे प्लेयर्स अभी उनके यार लेट आए हैं बहुत सारा ऑलमोस्ट पूरा टीम लेट आए बहुत तो मुझे लगता नहीं कि बहुत डिफेंस उनका सेटल्ड है एंड ग्वाडियॉल आई थिंक प्री सीजन में भी ही वॉज इनिशियली ऑक्यूपाइंग लटैकिंग एरियाज़ फिर थोड़ा सा आई थिंक कम्युनिटी शील्ड में मुझे लगा कि बस ओके ब्लास्ट फ्रेंडली में बस ओके तो काफ़ी बड़ा प्राइस आउट ले है ग्वाडियोल पे तो नॉट श्योर ऑन हिम ट्रेंड की जगह आई थिंक आई एम आई एम प्रोबेबली लुकिंग एट ए नासिल डिफेंडर तो बट मेरा एक्चुअली मैंने काला फ्योरी का अगर मुझे थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिलता है कि हिल स्टार्ट द फर्स्ट मैच तो मैं उनको ले आऊँगा बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू ब फैटेस्टिक एसेट फॉर दैम

आई एम बैकिंग काल ऑफ यूरी टू स्टार्ट लाइक थर्टी प्लस मैचेस माई नॉट स्ट लाइक थर्टी सेवन थर्टी एट बट तीस प्लस मैच एक्सपेक्ट करूंगा बट इवन इफ यू प्लेज एज अ सेंटर बैक इवन इफ यू प्लेज एज अफ्ट बैक ही संबंध जो अटैक करते हैं इज अ बॉल कैरिंग डिफेंडर और वो अटैकिंग उनकी नेचुरल टेंडेंसी है टू अटैक तो मुझे लगता है बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टैंड प्लेयर इस टीम में तो hmm. अभी तो मेबी सानी बा इज द सेफ वन टू गो फॉर प्रोबब्ली एक और क्वेश्चन है अगर आपके पास चॉइस हो कि आप प्रॉपर्ली एक अटैक कवर कर सकते हो सो व्हेन आई से प्रॉपर्ली इट्स द मेन पिक्स आप लिवरपूल का अटैक कवर करोगे कि स्पर्स का डू यू प्रेफर फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स वाल्गो स्पर्स फर्स्ट फर्स्ट आई विल गो स्पर्स बिकॉज़ मुझे लगता है अगेन कि सर्टेनिटी ज्यादा है लेवपूल uh, में अगेन क्योंकि मैनेजर नए हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच है वी कांट रियली बी श्योर कि कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा कौन सा नहीं करेगा स्पेशली विद साला जोटा देर इज़ ऑलवेज प्लेयर्स लाइक डारविन नूनेस फॉर एग्जांपल वेटिंग इन द विंग्स जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं देर इज़ कोबी गैकपो वड ऑफ फिनोमिनल यूरोज इन दैट सेम पोजीशन जहाँ लूज डिया खेलते हो तो अगर मैं लूज डिया के लिए हूँ गैकपो उनकी जगा सकते हैं जोटा uh, की थोड़ी इंजरी सिचुएशन हमेशा मॉनिटर करनी जरूरी है साला की पोजिशनिंग मॉनिटर करनी जरूरी है एंड ग्रेट फिक्चर्स ऑफ कोर्स बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्लॉट के अंदर कैसे वो वो कर रहे हैं स्लॉट कर रहे हैं प्लेयर्स बट स्पर्स मुझे लगता है कि सोलानकी के अलावा आई थिंक इज फिट एंड सीमलेसली मुझे लगता है एक बहुत ही परफेक्ट फिट है इनकी mm. टीम के लिए एंड बाकी सारे पीसेज अराउंड हिम आर प्रिटी सेटल्ड एंड पॉस्टो गोगलो की फिलोसफी के बारे में बहुत श्योर हैं हाउ दे वॉन्ट टू प्ले दे आर वेरी श्योर so I feel कि spurs मुझे लगते हैं that that is why I like मनन का ना so lanky and son double up also मुझे लगता है वहाँ पे उनको gains हो सकते हैं and I, I won't be surprised अगर मैं साका की जगह इसे son ले आऊँ but let's see basically you want to copy my seven. I want to copy your team yes and attackers okay that's that's what it means yes that, that that's fine that's fine <laughs> so nothing has changed from last season yeah <laughs> 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 Let's not <be> good <laughs> yeah <laughs> मैन सर आ, साला का तो फ़ियर नहीं है साका का फ़ियर तो होगा साका का फ़ियर लास्ट <laughs> सीजन से थोड़ा है फॉर फॉर दोस हु डोंट नो कॉन्टेक्स्ट की I had I I did not have साका from that game week twenty. I even remember the game weeks. Game week twenty four to twenty eight sort of period. जहाँ पे he went wild. Um, but uh, I still feel starting के five game weeks में Arsenal अगेन अटैकर किसको लाना है जीसस इज़ जीसेज अ रिलायबल ऑप्शन बट आई स्टिल फील गेम सिक्स में मेरे मेरे को ज्यादा है कि मुझे एक अर्सनल अटैकर चाहिए राधा देन अभी आई स्टिल फील डिफेंडर्स की ज्यादा बेटर वैल्यू है मुझे ऐसा लगता है अर्सनल में देन अटैकर्स ओके आई थिंक वी शुड रैपिड अप नाउ एनी फाइनल थाट्स I think, uh, जैसे बताया एफ पी एल ने बहुत अच्छी प्राइसिंग की है बहुत सारे ऑप्शन है और यूजली uh, uh, मेरी पर्सनली अभी तक एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन सीजन दो तीन दिन बचे शुरू होने टीम सेट होती है बट इस बार तो दूर दूर तक सेट नहीं है बहुत ऑप्शन है बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं फेज जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन uh, गैदर करो और अपनी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लीक्स आएंगे इन्फॉर्मेशन आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैनेजर कोर्ट्स ऑल दिस ऑन ट्विटर यू कैन गेट इट ऑल ऑन द वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ऑल्सो दोस्तों हमारी एफ पी एल लीग ज्वाइन करिए एफ पी एल गपशप की जो मिनी लीग है उसका भी आपको लिंक uh, मिल जाएगा और या कोड मिल जाएगा uh, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विल ऑल्सो शेयर इट ऑन माई ट्विटर हैंडल एज वेल एंड ऑल्सो फॉलो मनन सिपर एंड भाटिया साहब एज वेल स्पेशली भाटिया साहब को करिए अगर आपको लेट से टॉप हंड्रेड में फिनिश करना है season, तो आगर, किया 100 yeah. कर सकते हैं

So, yeah. <laughs> सो सही, है। है। सही में कम 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 है <laughs> थीक है ठीक है ठीक है गाइज आई विल डू दिस एवरी वीक सो होपफुली वी विल सी यू हेड ऑफ गेम वीक टू एंड वील एंड पोस्ट आर ड्राफ्ट ऑन आर ट्विटर हैंडल बिफोर द डेड लाइन सो बताइए दोस्तों आपकी क्या टीम्स uh, है आपके क्या डायलेमाज हैं एंड विल ट्राई टू डू दिस लाइव आई थिंक नेक्स्ट टाइम से